मजबूरी में आज रात मैं जा रहा हूँ। जानती हूँ, तुम आराम से जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। तुम ये ना भी कहती तो मुझे पता था कि तुम्हारी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। आज गया था मैं भैया और मीशू की कब्र पर। मैं भी सोच रही हूँ कि जाऊं बकरियार की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ूं। लेकिन अबरार तुम कब तक वापस आ जाओगे? इंशाल्लाह। बस तुम दुआ करना नीनू कि जो सेटअप मैं बनाना चाहता हूँ वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। मैं इस घर से दूर नहीं रहना चाहता। तुम सबको बहुत मिस करूंगा, बहुत याद आएगी तुम लोगों। मैं चाहता हूँ कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए और मैं वापस आ जाऊँ और अपने भतीजे को अपनी गोदों में खिलाऊं, उससे ढेर सारी बातें करूं। मुझसे बातें कहाँ करते हैं बेवकूफ? सुनता तो है ना। तुम देखना नहीं, मैं उसे तुम्हारी और अपनी दोस्ती की कहानियां सुनाऊंगा, तुम्हारे और भैया की मोहब्बत की दास्तानें सुनाऊंगा, उससे इतनी ढेर सारी बातें करूंगा कि उसे कभी बाप की कमी महसूस ही नहीं होगी। खैर, सारी बातें इसी से कर लोगे, अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के रखोगे? नीनू, मैं कभी बच्चों में फर्क नहीं करूंगा, कभी नहीं चाहूंगा कि उसे बाप की कमी महसूस हो। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और खाला अम्मी को रोज फोन करना। बहुत अफसरदा है तुम्हारे जाने। जानता हूँ नीनू, लेकिन उन्हें सिर्फ मेरे जाने की उदासी नहीं है बल्कि भैया और मीशू से जुदाई उसका गम भी बहुत ज्यादा है। मेरे जाने के बाद तुम उनका ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना, उन्हें कमी नहीं महसूस होने दें, क्योंकि नीनू अकेले में उन्हें भैया और मीशू की यादें घेर लेती हैं। तुम यहाँ की फिक्र छोड़ो और जिस काम पे जा रहे हो ना उस पे फोकस करो, मैं देख लूंगी। यहाँ चलो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग खैरियत से पहुंच गए। ठीक है, अब बंद करती हूँ फोन। जीते रहो, खुश रहो, बाफिस। तो खाला अम्मी, तसल्ली हो गई बात करके आपको? हाँ बेटा, जब तुम माँ बनोगी ना तो पता चलेगा माँ के दिल की तड़प का। खाला अम्मी, मुझे तो अभी से अंदाजा हो गया। हाँ, अल्लाह ताला खैर से वो वक्त लाए। नेहा, मैं ये सोची थी कि बेबी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ आज, क्या ख्याल है? उफ़, रहने दीजिए, आपको पता है मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों से ज्यादा बेबी का सामान है, कपड़े, खिलौने, सारा कबर्ड इसी की चीजों से भरा है। फिर सोचने की बात है, अभी तक आए नहीं दुनिया में और माँ की सारी चीजों पे कब्जा कर लिया है। जब हम लोगों के हालात ठीक हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए एक अलग कमरा सेट कर दूंगी। नहीं खाला मैं अपने बच्चे को दूर नहीं रखूंगी अपने आप से, मेरे साथ ही रहेगा मेरे कमरे। अच्छा आप ये बताइए कि आफरीन भाभी की तबीयत खराब है क्या? अपने कमरे से बाहर नहीं नजर आती वो। नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है उसकी, शायद डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती है, कुछ बताती भी नहीं है, खुद ही कंसल्ट कर लेती है उससे और फिर कहती है कि मुझे आपको तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। कौन से डॉक्टर को दिखा रही है वो? पता नहीं, बताती नहीं है कुछ। भाईजान को जाना चाहिए ना साथ, आप उनसे बात करें, उनसे कहिए कि आफरीन भाभी के साथ जाया करें, उनका ख्याल करें। हाँ बेटा, वो बेचारा भी क्या करे, अकेला पड़ गया बिल्कुल, देर देर से आता है घर वापस, कैसे ध्यान रख सकता है उसका। चलो खैर, मैं बात करूंगी उससे।